Panda. I got broads in Atlanta. Chase with the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies. तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पबजी एंड बैन के बारे में। तो भाई, मतलब कुछ बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई, पाकिस्तान में जो पबजी बैन हुआ था तो वो एक मंथ के अंदर अनबैन हो गया था, और ऐसा इंडिया में भी होगा। ठीक है, तो भाई मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बंदे कमेंट क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पबजी मोबाइल है या पबजी के आर वर्जन जो भी है, जो बैन होने वाला है, वो मतलब आज शायद नाइट के 12 बजे तक सारा कर्मकांड खत्म हो जाए, मतलब बैन हो जाए। तो बहुत सारे बंदे क्या कमेंट कर रहे हैं कि भाई 7 डेज में अनबैन हो जाएगा, नहीं तो 10 दिन के बाद हमारा पबजी वापस आ जाएगा या 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। भाई पहली बात सुन लो, पाकिस्तान में जो पबजी बैन हुई थी वो हुई थी भाई पढ़ाई लिखाई के कारण। मतलब जब से ये पबजी आया था पाकिस्तान वगैरह में, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ था और भाई बच्चे कुछ ज़्यादा ही खेलते थे, तो डेट्स भाई मतलब पढ़ाई लिखाई के कारण ही वहाँ के गवर्नमेंट ने पबजी को बैन करा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। ठीक है, जितना मुझे आइडिया है। ओके, और यहाँ पर जो पबजी बैन हो रहा है हमारे इंडिया में, वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण बैन हो रहा है। तो भाई इस मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, इस संदेश में मैं मतलब इसमें मत बैठे रहो कि हमारा पबजी अनबैन होगा। मतलब अगर कोई बंदा बोल रहा है आपको कि 7 डेज में अनबैन हो जाएगा या 10 दिन में अनबैन हो जाएगा, तो भाई उस भ्रम से दूर रहो। बिकॉज ये हमारा सिक्योरिटी रीजन के कारण बैन हो रहा है। यहाँ पे कोई हमारा एडुकेशन के कारण ये बैन नहीं किया जा रहा कि हमारे एडुकेशन पे कुछ इफेक्ट वगैरह पड़ रहा है, इसलिए पबजी को बैन करा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ था पाकिस्तान में, इसलिए वो बाद में अनबैन भी हुआ था। बट हमारे इंडिया में पबजी बैन इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स, समझ रहे हो ना। तो भाई इस छलावे में मत बैठे रहो कि भाई कुछ टाइम बाद हमारा पबजी अनबैन हो जाएगा। अगर अनबैन होना होगा भाई, तो ऑफिशियली न्यूज आ जाएगी हर जगह से। तो अगर आपको कोई भी सेपरेटली बंदा या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी नॉर्मल बंदा अगर आपको ये बताता कि पबजी हमारा 7 डेज में या 10 दिन में अनबैन हो जाएगा, डेवलपर्स चेंज हो जाएंगे, मीन्स क्या बोलते हैं टेंसेंट हट जाएगी और कोई दूसरा कंपनी आ जाएगा, तो भाई वो जितना ईजी सुनने में लगता है ना, इतना ईजी वो करने में नहीं है। ओके, तो अभी तो फिलहाल इस भ्रम में मत बैठे रहो कि हमारा पबजी अनबैन होने वाला है। सिंपल सा चिल करो, नॉर्मल सा गेम है, एक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आएगा। मुझे पता वो वाली फील इस गेम में नहीं आएगी जब हम दूसरा गेम खेलेंगे, बट टाइम के साथ साथ हर एक चीज फिक्स हो जाती है। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो भाई पबजी अपनी जगह। एंड अगर मैंने भाई पूछा था पिछली वीडियो में कि किन किन लोगों को अगर पबजी बैन हो जाता है तो कौन सा गेम आप खेलना पसंद करोगे, तो भाई 90% बंदों ने बोला है कि हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना पसंद करेंगे। तो आप चाहो तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी पर भी वीडियो कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर पबजी बैन होती है तो। ओके, तो आई होप आप समझ गए होगे ये वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस ट्रैवल एंड आई एम फैनिंग आउट। बाय गाइज, लव यू ऑल। अनबैन के चक्कर में मत बैठो, होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, बाय।